सर आपका गुड नेम सर? माय नेम इज़ रॉबिन सादिक। अच्छा रॉबिन, आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं रहने वाला तो यहीं का हूँ। अच्छा। लेकिन आई वर्क इन स्कर्दू शंगरीला रिजॉर्ट पे जॉब करता हूँ मैं। आई एम डायरेक्टर ऑपरेशंस देयर। और ये दिस इज द फर्स्ट टाइम हम अपने एप्पल्स यहाँ लेकर आए हैं। दीज आर ऑर्गेनिक एप्पल्स, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक, जिसमें कोई फर्टिलाइजर या कोई ऐसी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की। ये या तो कश्मीर साइड जो है इंडिया की, उस उधर ग्रो होते हैं और इस एरिया में हमारे पास होते हैं, या कुछ आपको थोड़े बहुत क्वेटा में नज़र आएंगे। बट ये एम्ब्री एप्पल जोन से हैं, ये बड़े यूनिक हैं और ये सिर्फ हमारे पास ही हैं इस एरिया में। इसमें कौन कौन सी किस्में हैं सर ये एप्पल की? वैसे तो डिफरेंट बहुत हैं, लाइक गोल्डन है, ये एम्ब्री हमारे पास जो होती हैं एम्ब्री गोल्डन, ये वाली होती हैं बस दो अच्छी वाली किस्में हैं जो हम इस्तेमाल हमारे पास जो जिसके ट्रीज हैं जी। तो इसके रेट क्या हैं सर आपके पास? 250 पर केजी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी भी आपको बाहर भी इतने के मिलेंगे ये, जबकि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक यूजुअली अगर कोई चीज़ बाहर 100 की है तो ऑर्गेनिक आपको 300-400 की मिलेगी, लेकिन हमारा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये आप वहाँ से लाएँ स्पेशल? जिस कर्दू से लाते हैं, क्योंकि फार्म्स उधर हैं हमारे। अच्छा। जी जी। तो मतलब इसके अलावा आप कहीं और है, आपके सेलिंग पॉइंट है या कोई और उधर? रिजॉर्ट है, इट्स अ होटल पूरा। उसके वहाँ के अलावा यहाँ इस्लामाबाद में और कहीं नहीं? अभी नहीं, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी फिलहाल हम इधर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें अपनी जी। देखिए हमारे डिफरेंट सीज़न होते हैं, जिसमें जून में चेरीज होती हैं, जुलाई में प्लम और एप्रिकॉट आ जाते हैं, पेयर्स आ जाते हैं, और फिर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारे पास एप्पल्स होते हैं। मतलब कि आपसे सर एक किलो लेना ही पड़ेगा इसको। देखें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है। हाँ जी, दे दें जी इनको किलो एक। तो मैं ख़ुद बिलोंग करता हूँ वज़ीरिस्तान साइड से, तो वाना में बहुत मैंने ख़ुद बागात देखे हैं इसके फलों के, ये ख़ास कर सेब के। तो अब इसका मुझे नहीं पता कि वहाँ ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है, लेकिन ये है कि हमारा मशहूर है वहाँ का भी बहुत। चेक करें ना वहाँ पे, अगर 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 वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर सकते हैं तो। आजकल तो बहुत दुनिया है कि जो इस तरफ आ रही है, केमिकल्स खा खा के आपके बॉडी में क्या कुछ हो गया हुआ है। ऑर्गेनिक का ये फ़ायदा होता है ना कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, इसके यील्ड में कितना फ़र्क होता है अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करें और नेचुरली, मतलब ये फर्टिलाइज़र वाला, तो उसके पैदावार में कितना फ़र्क होता है? देखिए जैसे शेवर चिकन होती है, इसी तरह हम श्योर कि जब आप फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं तो उसकी शायद यील्ड बेहतर हो, लेकिन फिर क्वालिटी वो नहीं है। आपने कभी मतलब उस तरह जो अनऑर्गेनिकली उगाया? हम तो वो उगाते हैं ऑर्गेनिकली, है ना, शुरू से आप यही कर, मतलब वी नेवर यूज एनी आर्टिफिशियल और केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेकिन इसका कस्टमर तो वो है, इतना वो ज़्यादा नहीं है ना, कोई स्पेसिफाइड कस्टमर है। अब आप मार्केट में अगर इसको लेके जाएंगे तो कोई नहीं लेगा, अगर 200 का मिल रहा है तो 400 कौन लेगा? इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग अब इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम हर हफ्ते आते हैं और जो हमारे पास होता है सारा बेच कर चले जाते हैं। तो मेरा जो इस वीडियो का मकसद है वो यही है कि लोगों को ज़रा अवेयरनेस आए कि ऑर्गेनिकली और जो अनऑर्गेनिक फूड है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, और जिसको अगर शौक़ हो तो वो यहाँ पर आ सकता है। तो आप वैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो ऑर्गेनिक फूड के हवाले से और इस मार्केट के हवाले? बात है कि इसका एक स्पेशल क्लाइंट है, पर्टिकुलर क्लाइंट है कि जो इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि जाहिर है कि जब ऑर्गेनिक होगी तो महंगी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप टमाटर मार्केट में 100 रुपये किलो, तो यहाँ आपको 300 रुपये या 400 रुपये किलो मिलेंगे। इसलिए कि उसमें एक तो ये कि उसकी क्रॉप बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, फिर उसके ऊपर उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। पहले सबसे पहले आपको ज़मीन को डिटॉक्सीफाई करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप ग्रो करते हैं फर्टिलाइज़र डाल के, और वो भी कौन से केमिकल वाले नहीं डालेंगे आप, क्योंकि अगर आप केमिकल डालेंगे फिर ऑर्गेनिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो अगर वैसे स्प्रे वगैरह ना करें तो कीड़ा तो लगता है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं ऑर्गेनिक में? आपको कि आप तंबाकू को पानी में भिगो देते हैं और उसका जो पानी होता है वो स्प्रे करते हैं। तंबाकू भी तो एक तरह का वही क्रॉप होती है ना जी। जी तो वो ना महंगा पड़ता है जो आम स्प्रे से, या जी जाहिर है कि आम स्प्रे तो मार्केट में आपको हर जगह अवेलेबल है, बड़े बड़े आपको वो जेरी कैंस मिल जाएंगे, ये तो आपको खुद करना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है तंबाकू लेकर जी। तो मतलब नेचुरल वे यही है इसका, और बेस्ट
बेस्ट चाहिए जी। इसके अलावा भी अभी ऑर्गेनिक भी स्प्रेज निकल आए होंगे, लेकिन हम लोग टबैको यूज़ करते हैं। चलें सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और इंशाल्लाह होप करते हैं कि लोग आएँ आपकी तरफ और इसको हमारी तरफ बेशक ना आए, पर दे शुड टर्न टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना, उसके साइड इफेक्ट नहीं है। हर चीज़ में केमिकल हैं। अब तो कल एक वीडियो देख रहा था कि पता चला कि जी आर्टिफिशियल अंडे भी बनने लग पड़े पाकिस्तान में। सच अ शेम, यू नो। हम बजाय इसके कि हम अच्छी चीज़ों को अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, हम गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, एक जी।